बेहाल इतने रहे हैं हम कि आज अपने खुद के हाल भूल गए। बेहाल इतने रहे हैं हम कि आज अपने खुद के हाल भूल गए। ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे लगता है गुलेल की मार भूल गए। नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ स्मार्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में सैनिक वाला प्रश्न, छावनी वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसे बनता है छावनी वाला प्रश्न। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? ठीक है, अब जो शेष सामग्री है वह शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी, यही हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुल सैनिकों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 950, और कितना खाते थे, तो 500 ग्राम एक सैनिक एक दिन में खाते थे। ठीक है, और कुल जो सामग्री था कितने दिन के लिए था, तो 200 दिन के लिए था। अब अगला कंडीशन दे रहा है, अगला टर्म में बता रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले जाते हैं। ठीक है, 300 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाते हैं, तो शेष सैनिक कितने बच जाते हैं, तो शेष सैनिक कितने बचेंगे, 950 में से 300 को घटा लीजिएगा तो 650 बच जाएगा। ठीक है, 650 सैनिक शेष बच रहे हैं। अच्छा, शेष दिन कितना बच रहा है, शेष समय, ठीक है, शेष समय बराबर क्या कर लेंगे, 200 दिन का कुल भोजन था और 70 दिन बाद दूसरे में जाते हैं, 70 दिन खा करके जाते हैं, तो 130 दिन शेष समय बचा हुआ है। कितने दिन का भोजन अब बचा, 130 दिन का। ठीक है, अगर हम ऐसा मानेंगे कि अगर 950 में से 300 सैनिक नहीं जाते तो भोजन कितना दिन चलता, 70 दिन के बाद से सोचिएगा कि अगर 950 सैनिक में से 300 सैनिक दूसरे कैंप में नहीं जाते तो भोजन कितना दिन चलता, तो 130 दिन चलता। चलिए यहां से लिखिएगा कि 950 सैनिक 500 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं, अगर किसी अन्य कैंप में नहीं जाए तो उनके लिए भोजन कितना दिन चलता है, 130 दिन। 130 दिन किसके लिए, कुल सैनिकों के लिए। ठीक है, लेकिन अगला कंडीशन में दिया है कि 70 दिन रहने के बाद 300 सैनिक चले जाते हैं, तो शेष सैनिक कितना बचेंगे, 650, जिसके लिए हमको ज्ञात करना है कि शेष सैनिक कितने दिन और खाएंगे, तो 650 सैनिक। अब चलिए कितना खाएंगे, 500 ग्राम ही खाएंगे। ठीक है, लेकिन कितना और अधिक चलेगा, अर्थात 130 दिन से ज्यादा चलेगा, तो 130 प्लस x दिन। ठीक है, अब सोचिएगा कि 130 प्लस x क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि अब यह खाद्य सामग्री से सैनिकों के लिए कितने और दिन चलेंगे। 130 दिन तो 950 के लिए चलने वाले थे, लेकिन 950 जब सैनिकों की संख्या में कमी हो जाती है तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। अगर 20 आदमी को खाना खाने के लिए रखा जाता है और 5 दिन का भोजन है, तो आदमी को अगर कम कर दिया जाए तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। तो उसी तरह से 950 सैनिक थे और इसमें से घटा दिया जाता है सैनिकों की संख्या, तो खाना जो है 130 दिन से अधिक चलता है। ठीक है, 130 दिन किसके लिए चलता है, 950 रहते तब। अब सैनिक की संख्या कम हो गया तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है, अब चलिए इसको कटाते हैं, 500 ग्राम से 500 ग्राम काट लीजिए, 130 से इसको काटिए 5 बार में, इससे फिर इसको काटिए 19 बार में। ठीक है, तो 5 से फिर 190, अब क्या कर लेंगे, इधर बच गया है 190 बराबर और इधर 130 प्लस x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 190 माइनस 130 बराबर x, तो x बराबर 60, ये क्या आ गया, डेज आ गया। ठीक है, तो हमको पता चला कि शेष सामग्री जो है अब 130 दिन से अधिक चलेगा, और कितना दिन अधिक चलेगा, तो 60 दिन अधिक चलेगा। ठीक है, अगर 950 सैनिक रहते तो 130 दिन में भोजन को समाप्त कर देते, लेकिन 650 सैनिक अब शेष बचे हुए हैं जो कि 190 दिन तक किसी भोजन को चलाएंगे, 130 दिन और प्लस 60 दिन, 90 दिन। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया कितने और अधिक दिन चलेंगे, ये तो सबको पता है कि 130 दिन चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, जब 950 आदमी 130 दिन खा सकते हैं, तो 650 आदमी
130 दिन से कम में खाएंगे? नहीं खाएंगे। 130 दिन तो ये लोग भी चला लेंगे, लेकिन कितना दिन और अधिक चल सकता है? तो 60 दिन और अधिक चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि शेष सैनिकों की संख्या ज्ञात किए हैं, 650 हो गया, और शेष समय ज्ञात किए हैं कि 70 दिन तक खाते हैं, ठीक है, और 70 दिन के बाद चले जाते हैं। तो शेष कितना दिन का राशन छोड़ के जाते हैं? तो 130 दिन का राशन छोड़ के जाते हैं, ठीक है। 60 दिन 950 सैनिक से 60 दिन अधिक तक चला लेंगे, यही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। क्या दिया जा रहा है? खाद्य सामग्री दिया जा रहा है। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 850 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन तक ही चली, ठीक है। अब आने वाले सैनिकों की संख्या बताना है, ठीक है। अब नए सैनिक जो है, कितने सैनिक आ गए हैं जिससे भोजन जो है 18 दिन में खत्म हो जाता है? तो इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले शेष समय आप ज्ञात कर लीजिए। अब इसमें शेष सैनिक की संख्या नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब सैनिक बाहर से आते हैं तो ऐड होता है और जाते हैं तो माइनस होता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो अगर चले जाते तब तो हमको शेष सैनिक पता चलता, लेकिन आ गए हैं तो कितना हो जाएगा? जब आए हैं तो 330 पहले से थे और कुछ सैनिक आए हैं तो 330 प्लस x हो जाएगा। मान लेंगे कि आने वाले सैनिकों की संख्या बराबर x, लेकिन सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा शेष समय बराबर शेष समय अर्थात दिन का संख्या, ठीक है। अब 10 दिन बाद बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? 10 दिन बाद कुछ और सैनिक चले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाद्य सामग्री था और 10 दिन बाद कुछ अन्य सैनिक चले आते हैं, अब जो है कितना दिन का खाद्य सामग्री बचा हुआ है? तो 25 दिन का, ठीक है। तो मान लेंगे कि कितने नए सैनिक आ गए हैं, माना नए सैनिकों की संख्या बराबर नए सैनिक बराबर x, ठीक है। कि अगर x सैनिक नहीं आते, अगर x सैनिक छावनी में नहीं आते तो भोजन जो है 25 दिन तक कौन खाता? 330 सैनिक ही खाते। 330 सैनिक 900 ग्राम के हिसाब से 25 दिन तक खाते, ठीक है। अब देखिए 25 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो 35 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, लेकिन बात 10 दिन की बात की हो रही है, ठीक है। ये तो बताया जा रहा है कि 35 दिन की खाद्य सामग्री है 330 सैनिकों के लिए, लेकिन 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं, तो 10 दिन बाद वाले सिचुएशन पर हम काम करेंगे। अब इससे पीछे वाले पे हम कुछ नहीं करेंगे, 10 दिन बाद वाले पे करेंगे, ठीक है। 330 सैनिक ही रह जाते, इसमें सैनिक नहीं आते, ठीक है। इसको कौन खाता? 330 सैनिक ही खाते, और 900 ग्राम के हिसाब से खाते तो 25 दिन तक भोजन चल जाता, लेकिन 330 सैनिक के साथ में कुछ और सैनिक आ जाते हैं, ठीक है। जब आ जाते हैं तो अब भोजन 900 ग्राम इन लोग को दिया जाएगा तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा, भोजन की मात्रा में कमी किया जाता है और 825 ग्राम एक आदमी को दिया जाता है, ठीक है। तो 825 ग्राम भी दिया जाता है तो कितना दिन चलता है? फिर भी भोजन 25 दिन तक नहीं चलता है। 330 सैनिक के लिए 25 दिन तक चलता और 900 ग्राम खाते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन 330 सैनिक पर कुछ और सैनिक के आने की वजह से 825 ग्राम ही दिया जा रहा है और 18 दिन में भोजन समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे आप पता चल जाएगा कि कितने नए सैनिक आए हैं कैंप में। चलिए इसको कटाते हैं, इससे 18 से इसको काटिए 50 बार में, ठीक है। इसको काटिए 25 से इसको काट लीजिएगा, ये 33 बार में 25 से कट जाएगा, ठीक है। और अब कौन बच रहा है? 33 से इसको काट लीजिए 10 बार में, ठीक है। अब इधर क्या हो गया है? 500 हो गया है और बराबर किस तरफ? 330 प्लस x। अब 500 में से 330 को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 170 बराबर x, इसीलिए x बराबर 170 सैनिक, यही आंसर है। तो नए सैनिकों की संख्या बराबर 170, 170 सैनिक छावनी में चले आते हैं जिससे भोजन 25 दिन में खत्म होने के बजाय 18 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। सबसे समझने वाली बात अगर कहीं है तो यहीं पर है
हम लिखें 330 सैनिक 900 ग्राम के हिसाब से 25 दिन तक खाते हैं, ठीक है। ये कब की बात हो रही है, अगर सैनिक कैंप में नहीं आए तब, ठीक है। अगर सैनिक कैंप में आ जाते हैं तो ये भोजन जो है ना अब 25 दिन नहीं चल करके 18 दिन तक चलता है, ठीक है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि नए जब सैनिक 10 दिन के बाद कुछ आ जाते हैं तो 825 ग्राम के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। और भोजन कितना दिन तक चलता है, 18 दिन तक चलता है, जबकि उसको चलना कितना चाहिए था, 25 दिन तक। लेकिन 25 दिन तक कब चलता, जब 330 सैनिक ही इसको खाते तब, लेकिन 330 से अधिक सैनिक खाते हैं इसीलिए 18 दिन में खत्म हो जाता है। तो कितने सैनिक अधिक आए हैं, 170 सैनिक अधिक आए हैं, ठीक है। इस तरह से बैठाने के बाद हल किया जाता है तो x का मान निकल कर आ जाता है, तो 170 सैनिक आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए तो भोजन सामग्री 25 दिन और चल सके, कितने नए व्यक्ति किले में आ गए हैं, ठीक है। पहले इनकी तरफ प्रश्न है, प्रश्न कोई नया नहीं है, इस तरह के प्रश्न को हमने बनाया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कितने नए व्यक्ति किले में आ गए हैं, तो मान लीजिए, माना नए व्यक्ति की संख्या बराबर x, ठीक है। हमने ऐसा माना है कि नए व्यक्तियों की संख्या बराबर x है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, पहले से किला में कितने व्यक्ति मौजूद थे, 1500। अब नए व्यक्ति के आ जाने से किला में व्यक्तियों की संख्या हो गई है 1500 प्लस x। अब जब इतने व्यक्ति हो गए हैं तो भोजन जो है कितना दिन तक और चला है, 25 दिन तक चला है। चलिए 25 दिन तक ये भोजन चल पाया है, ठीक है। लेकिन भोजन था कितना दिन के लिए, 50 दिन के लिए था। 1500 व्यक्ति अगर खाते इस चीज को तो 50 दिन तक चलता, लेकिन 1500 प्लस x व्यक्ति खाएंगे तो 25 दिन में ही भोजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर 1500 पर नए व्यक्ति नहीं आते तो भोजन कितना दिन चलता, 1500 गुना, अब देखिएगा 15 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं, ठीक है, और अधिक व्यक्ति आ जाते हैं, तो 50 दिन का कुल भोजन था और 15 दिन बाद में बात किया जा रहा है, तो शेष समय कितना बच जाएगा, शेष समय बराबर 50 माइनस 15 बराबर 35 दिन। अब जो है 35 दिन का ही भोजन है, किसके लिए, इस 1500 व्यक्ति के लिए, अब 35 दिन का यह भोजन है, ठीक है। कौन सा भोजन, जो 25 दिन में 1500 प्लस x व्यक्ति 25 दिन में खा रहे हैं, उसी भोजन को 1500 व्यक्ति 35 दिन में खा सकते थे, ठीक है। ये 1500 कौन है, पहले से किला में मौजूद व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। इतना व्यक्ति पहले से किला में थे और 15 दिन खा चुके थे और 50 दिन का भोजन था, तो 50 दिन में से 15 दिन को घटा लिया गया है इस 15 को, तो पता चला कि अब जो है 1500 व्यक्ति 35 दिन तक भोजन बचाए हुए हैं, ठीक है, 35 दिन का भोजन इनके पास है। लेकिन अब उसी भोजन में इनको एडजस्ट करना पड़ता है कि कुछ नए व्यक्ति आते हैं किला में तो उनको भी खिलाना है, उनको तो भूखे नहीं रखेंगे, तो 1500 प्लस x व्यक्ति हो गए हैं तो 25 दिन में भोजन समाप्त हो जा रहा है, यह प्रश्न में बताया गया है, ठीक है, कि भोजन सामग्री 25 दिन तक ही चल सके। ये 25 हम अपने से नहीं लिखे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है। अब चलिए वाक्य तो बन गया है तो इसको अब हल कर लेते हैं, ठीक है। जिससे इसको काटते हैं कितना बार में कटेगा, 60 बार में। इधर क्या बच गया है, 1500 प्लस x और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, अब चलिए 60 से 35 में गुना कर लेते हैं तो 6 5 30 और 18 3 21, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2100 माइनस 1500 बराबर 600, यही आंसर है। अब 600 क्या है, किला में नए व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया है, 600 हो गया है। किला में कितने नए व्यक्ति आए हैं, 600 व्यक्ति आए हैं, ठीक है। अगर ये 600 व्यक्ति नहीं आते तो भोजन जो है 35 दिन तक चलता आराम से, 1500 व्यक्ति इसको खाते, लेकिन अब व्यक्ति की संख्या 2100 हो गया था, ठीक है, 600 बढ़ गए हैं तो व्यक्ति कितने हो गए, 2100 हो गए। जब 2100 हो गए तो भोजन जो है 25 दिन में ही फिनिश हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि किला में आने वाले नए व्यक्तियों की संख्या बताएं, तो नए व्यक्तियों की संख्या 600 है, यही आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा,
कि किला में पहले से व्यक्ति कितने थे 1500 और कुल भोजन कितना दिन के लिए था 50 दिन के लिए था, ठीक है। लेकिन 15 दिन जब बीत जाता है, ये 1500 व्यक्ति 50 दिन के भोजन में से 15 दिन तक खा लेते हैं, तो इनको पता चलता है कि हमारे यहाँ और कुछ व्यक्ति आने वाले हैं, ठीक है। अब कितने सैनिक आने वाले हैं, कितने व्यक्ति आने वाले हैं पता नहीं था उन लोग को। तो जब उन लोग आए तो उनकी संख्या 600 की थी, तो पहले से 1500 इन लोग थे, अब 600 के आने से 2100 हो गए। अब 2100 मिल के जब खाए तो भोजनवा जो बचा था 35 दिन का, 15 दिन खाने के बाद 35 दिन का भोजन बचा था, जब 2100 हो गए हैं तो अब भोजन घट करके 35 दिन से 10 दिन और कम हो जाता है, 25 दिन ही चल पाता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि नए व्यक्तियों की संख्या बताएं, तो नया व्यक्ति 600 थे जो कि किला में पहुंचे थे, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त होता है, और अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।